क्योंकि पटना से गया आया हूँ, आपको कुछ खिला कर ही जाऊंगा। सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, यूट्यूब में एक बार फिर स्वागत करते हैं। मैं देवेंद्र सिंह लड्डू। इस वक्त हम है गया का चौक, जो टावर जो हमारे जो पीछे जो देख रहे हैं, ये चौक का टावर है। और यहाँ गया का ये कहावत है, खाने पीने में सबसे आगे रहते हैं। और ये तमाम पहले दृश्य हम आपको दिखलाते हैं यहाँ का, ये शहर का ये तमाम दृश्य है, चाहे वो ठेले वाला हो, चाहे वो फिर फर्नीचर की दुकान हो, चाहे फिर वो बैग की दुकान हो, तमाम दुकानें यहाँ पर सजी हुई है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो मशहूर जो होती है खाने पीने का चीज़, वो चीज़ हम आपको बताते हैं। दरअसल खाने का चीज़ जो होता है और सुप्रसिद्ध चीज़ होता है, मशहूर होता है, वो है खोआ का लाई। वैसे ठंड के मौसम में तिलकुट का यहाँ पर सुप्रसिद्ध माना गया कि गया का तिलकुट है, गया का तिलपापड़ी है और गया का खोआ वाली लाई। हम उसी के लिए पटना से आए यहाँ, गया के खोआ वाली लाई को ढूंढते ढूंढते आए हैं और देखते हैं कि खोआ वाली लाई कहाँ बनता है। हम चलते हैं उसी दुकान के पास, चलिए मेरे साथ और बने रहिए, कहीं जाएंगे मत मेरे साथ, क्योंकि पटना से गया आया हूँ, आपको कुछ खिला कर ही जाऊँगा। चलिए हम जिसका इंतज़ार कर रहे थे चौक से ढूंढते ढूंढते, इस क्षेत्र का नाम है रमना रोड। रमना रोड में वैसे भी बहुत सारी दुकानें हैं लाई का, तिलकुट का, लेकिन यहाँ दुकान कुछ अलग ही हमको लगा है। यहाँ पर देख सकते हैं मौसम में, ऐसे ठंड के मौसम में तिलकुट बहुत ही प्रचलित होती है, अभी भी है गर्मी के, लेकिन जो लाई आप जो देख रहे हैं, ये नज़ारा कुछ है खोआ का लाई है। और यहाँ पर ये अनरसा है यहाँ पर, और यहाँ पर जो हलवाई जो है, जो कारीगर होता है, बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि ये सेल हो, उसके बाद फिर दूसरा हम करेंगे। भैया ये क्या नाम है आपका? राजेश कुमार। राजेश जी बताइए, खोआ का लाई कैसे, क्या क्या चीज़ बनाते हैं इसमें? खोआ मतलब खोआ लाएँ, उसको मतलब चीनी डालें, ठीक है, चीनी डाल के घाटें, उसमें फिर लावा मिलाएं, लावा इलायची डालें, फिर वही साचा में बनाएं। कितना देर छोड़ देते हैं आप उसको ठंडा होने के लिए? 2 घंटा। सेल इस बार का कैसा है? जो है मतलब ठीक ही है। नहीं, मालिक की तरफ मत देखिए, आप मेरे तरफ देखिए। सेल कैसा है? ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, राजेश जी है, बता दीजिए, कारीगर है। डरते हैं कि मालिक ऐसा नहीं कि हमको डांटे। और यहाँ पर बैठे में क्या नाम हुआ सर आपका? गणेश प्रसाद। गणेश जी कब से दुकान है आपका? हमारा दुकान 1932 है। क्या क्या कारोबार करते हैं इसमें? हम लोग इसमें तिलकुट लाए, अनरसा, खाजा, 4 आइटम बेचते हैं। तिलकुट का क्या कीमत है? तिलकुट अभी 280 रुपये किलो है चीनी वाला, लाई और लाई है 360 रुपये खोआ वाला, और अनरसा शुद्ध ही का खोआ भरा हुआ 300 रुपये किलो है। खाजा 200 रुपये किलो है मीठा वाला। कैसा है मार्केट? कैसा है मार्केट? ठीक है। कहाँ कहाँ से लोग आते हैं खरीदारी करने? यहाँ खरीदारी के लिए पूरे विश्व से लोग आते हैं। ये हमारा गया जी का प्रसिद्ध मिठाई है तिलकुट, जो यहाँ जाड़ा में ही इसका सीजन होता है, 4 महीना ठंडा में तिलकुट ज़्यादा बिकता है, और उस समय नया तिल नया चूड़ा का समय होता है, नया गुड़ का समय होता है। ये 14 जनवरी मकर संक्रांति के नाम से इसका एक बहुत बड़ा पर्व विश्व में मनाया जाता है, जिसके लिए तिलकुट का कारोबार व्यापार पूरे विश्व में होती है। ऐसे हम लोग यहाँ पे तिलकुट सालों भर बेचते हैं, इसलिए कि गया टूरिस्ट पैलेस है, यहाँ लोग सालों भर यात्री आते हैं और यहाँ का प्रसिद्ध चीज़ तिलकुट हमेशा यात्री खोजते हैं। हम लोग बनाते हैं इसलिए कि बिकता है तब बनाते हैं। और हमारे यहाँ शुद्ध का जो अनरसा है, ये भी बहुत प्रसिद्ध है, अच्छा है, अच्छा क्वालिटी का है, आप इसको यूज करके देख सकते हैं, इसमें कोई कहने कहाने वाला बात नहीं है। और इसके बाद हम लोग आते हैं, 4 महीना जाड़े में तिलकुट बेचते हैं, 4 महीना गर्मी में लाई बेचते हैं, और 4 महीना बरसात में अनरसा बेचते हैं। लेकिन अभी चूँकि टूरिस्ट प्लेस बोध गया, और गया होने के कारण यहाँ टूरिस्ट सालों भर आते हैं, इसलिए हम लोग का सारा सामान को हम लोग को सालों भर रखना होता है। कस्टमर का शिकायत का मौका कभी? कभी शिकायत का मौका हमारे दुकान से नहीं मिलेगा, कभी भी नहीं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर एक लाई मैं खाकर जैसा मैं टेस्ट करता हूँ, अभी एक लाई देंगे आप, और अभी पता चल जाएगा कि क्या स्वाद क्या क्वालिटी अगर है, क्योंकि पटना से मैं आया हूँ, गया का खास मशहूर होता है तिलकुट और लाई। वैसे भी तो पटना में बहुत सारे जगह मिलती है, लेकिन गया का कि मशहूर होता है, तो हम जानकारी और टोह लेने के लिए हम निकल पड़े हैं।
चलते हैं, ये कारवा देखते हैं कहाँ तक जाती है। बहुत मिजाज के हैं गया, मैं तो विष्णुपद है, भगवान विष्णु का चरण है और बोध गया है, क्योंकि भगवान बुद्ध ने शिक्षा ग्रहण किए थे वही क्या तो कहते हैं पीपल के पेड़ के नीचे। तमाम चीज़ें से हम आपको अवगत करवाते रहेंगे, पहले कुछ टेस्ट ले लेते हैं। ये नहीं ये देखते हैं, ये लाए है खोवा का, कुछ टेस्ट करते हैं हम भी। मस्त है, वैसे भी कहेंगे पटना वाले गया आकर ही लाए की खरीदारी करें और तिलकुट की खरीदारी करें, खाने का मस्ती कुछ अलग ही हटता है ना। ऐसे टाइप टू आप देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हम आपसे विदा ले सकते हैं अंदाज में उत्साह के साथ में। जय हिंद।